नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय वायरमैन के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रश्न घरेलू वायरिंग और इसके प्रकार पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो वायरिंग और वायरिंग के प्रकार, वायरिंग में सर्वप्रथम आता है वायरिंग का परिचय। विद्युत शक्ति वर्तमान समय में एक मूलभूत आवश्यकता है। विद्युत शक्ति को विद्युत उत्पादन केंद्रों से पारेषण एवं वितरण लाइनों के द्वारा उपयोग स्थल तक लाया जाता है। ये होता है वायरिंग का परिचय। परिचय के बाद अब मैं आपको वायरिंग की परिभाषा बताऊंगा। जब किसी भवन कार्यालय में वायर, स्विच, होल्डर आदि को भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार लगाकर विद्युत शक्ति का सुरक्षा पूर्वक उपभोग करते हैं तो उसे वायरिंग कहते हैं। अब मैं आपको भारतीय विद्युत अधिनियम में संक्षिप्त में बताऊंगा। वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना के संबंध में कुछ नियम बनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम, वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से करानी चाहिए। वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री ISI प्रमाणित होनी चाहिए। वायरिंग को लाइट एवं पावर सर्किटों के लिए अलग अलग उपपरिपथ बनाने चाहिए। लाइट सर्किट का लोड 800 वाट और पावर सर्किट का लोड 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोड की गणना वायरिंग करने के पूर्व भी कर लेते हैं। नियंत्रक स्विच बोर्ड की ऊंचाई फर्श से 1.3 मीटर होनी चाहिए और यह प्रवेश द्वार के निकट बाईं ओर स्थापित किया जाना चाहिए। सीलिंग फैन को फर्श से 2.5 मीटर से 3 मीटर के मध्य रखना चाहिए। वायरिंग में प्रयुक्त सभी धात्विक आवरण को आवश्यक रूप से अर्थ करना चाहिए। सभी लाइटों की फर्श से कम ऊंचाई 2.25 मीटर होनी चाहिए। यदि इससे कम ऊंचाई पर हम लाइट लगाते हैं तो फर्श पर रोशनी प्रॉपर नहीं मिल पाती है। अर्धचालक में कोई भी फ्यूज या स्विच संयोजित नहीं करना चाहिए। फ्यूज तथा नियंत्रक युक्तियां सदैव फेज वायर पर ही लगानी चाहिए। ये सभी महत्वपूर्ण विद्युत अधिनियम होते हैं। इसके बाद वायरिंग सिस्टम या वायरिंग प्रणालियां। इसमें सर्वप्रथम आती है ट्रिप प्रणाली। इस प्रणाली में मेन लाइन से टेपिंग करके प्रत्येक ब्रांच लाइन को सप्लाई दी जाती है। मेन स्विच के बाद फेज व न्यूट्रल को मेन सप्लाई के तारों में इंसुलेशन हटाकर जोड़कर अन्य परिपथों के लिए सप्लाई ली जाती है वह टेपिंग की जाती है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये मेन लाइन है जिसमें ऊपर फेज और नीचे न्यूट्रल दिया है। इसमें फ्यूज लगा हुआ है, फेज में और न्यूट्रल में न्यूट्रल लिंक लगाया गया है। ये मेन लाइन पूरी लेके आए हैं आगे तक। इसमें जहां हमको जैसी आवश्यकता हुई है वहां पर फेज वायर और न्यूट्रल वायर कनेक्ट करते गए हैं और टेपिंग करते गए हैं। ये देखिए ऊपर नीचे फिर इधर फेज, ये न्यूट्रल, ये फेज, ये न्यूट्रल, ये फेज, ये न्यूट्रल, ये फेज, ये न्यूट्रल, और ये फेज और ये न्यूट्रल आगे तक मेन लाइन जा रही है। ये देखने में इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे एक वृक्ष में शाखाएं अलग अलग निकली हुई रहती हैं और वृक्ष बन जाता है। यह वायरिंग में देखने में उसी प्रकार की दिखती है, इसलिए ही इसको ट्रिप प्रणाली कहते हैं। आजकल हम इस सिस्टम का प्रयोग ना के बराबर होता है क्योंकि इसमें कुछ दोष होते हैं। इसमें फॉल्ट तलाश करने में परेशानी होती है। सभी पॉइंट पर समान वोल्टेज नहीं मिल पाता है। ज्वाइंट की संख्या अधिक होने से खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और यह वायरिंग कमजोर हो जाती है। यह देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं दिखती है। ये ट्री प्रणाली में दोष हैं। इसके बाद आती है दूसरी प्रणाली जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली कहते हैं। ये है डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली। इस प्रणाली में प्रत्येक सर्किट में फ्यूज MCB लगाई जाती है जिससे किसी भी एक सर्किट को ऑन ऑफ किया जा सके। इसमें दोष ढूंढना सरल होता है और सिर्फ
दोष वाले सर्किट को बंद करके ठीक किया जा सकता है और अन्य सर्किट चालू अवस्था में रहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मेन सप्लाई खंबे से पहले मीटर में गई है, उसके बाद इसको आइसोलेटर पे लेके गए हैं। यहाँ पे लिखा है डीपी एमसीबी यानी डबल पोल एमसीबी है जो फेज और न्यूट्रल कंट्रोल करती है। इसके बाद रेड वायर से इसको पूरा फेज कंट्रोल किया गया है, ब्लैक वायर से न्यूट्रल कंट्रोल किया गया है और ये ग्रीन वायर जो है ये अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं चित्र में हर सर्किट के लिए एमसीबी से अलग फेज और न्यूट्रल लिंक से अलग न्यूट्रल जा रहा है, तो हमें जिस सर्किट में दोष सही करना होगा उस सर्किट की एमसीबी को हम ऑफ करके अपना काम कर लेंगे। इस सिस्टम में कुछ लाभ हैं, इसमें दोष की तलाश करना आसान रहता है, सभी पॉइंट पर समान वोल्टेज रहता है, वायरिंग में सर्किट का लोड हटाने बढ़ाने में सुविधा रहती है, देखने में सुंदर दिखती है यह प्रणाली। वायरिंग प्रणाली का चयन करते समय परिपथों की संख्या, फेज की संख्या, वोल्टेज, वातावरण, भवन का क्षेत्रफल आदि का ध्यान रखना चाहिए। वायरिंग सिस्टम को प्रयोग करने का जो क्रम होता है वह जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पहले ऊर्जा मीटर, फिर फ्यूज कटआउट या डबल पोल एमसीवी, उसके बाद मेन स्विच, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये वायरिंग को प्रयोग करने का क्रम होता है। इसके बाद आता है विद्युत वायरिंग स्थापना के मुख्य बिंदु। इसमें एक आता है किफायती, टिकाऊपन, दिखावट, सुरक्षित, अग्नि से सुरक्षित, आयु, सुविधाजनक और यांत्रिक रूप से सुरक्षित। तो इसमें सर्वप्रथम आता है किफायती। किफायती यानी कि इकोनॉमिकल। स्थापित वायरिंग, जो हमें वायरिंग स्थापित करनी है उसका स्थापना व्यय किफायती या कम खर्च का होना चाहिए। इसके बाद टिकाऊपन या ड्यूरेबिलिटी। स्थापित वायरिंग वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को सह सकने योग्य एवं पूर्ण लोड करंट को वहन करने वाली होनी चाहिए। इसके बाद दिखावट यानी कि अपीयरेंस। स्थापित वायरिंग देखने में सुंदर तथा भवन के निवासियों की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। इसके बाद सुरक्षित यानी सेफ। वैद्युतिक वायरिंग उपभोक्ता या मरम्मत करने वाले कारीगर के जीवन की दृष्टि से सुरक्षित होनी चाहिए, अर्थात वायरिंग को स्पर्श करने से विद्युत झटका ना लगे। इसके बाद आता है अग्नि से सुरक्षित यानी कि प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर। स्थापित वायरिंग बाह्य या आंतरिक कारणों, स्पार्किंग के कारण अग्नि से यथासंभव सुरक्षित रहने वाली होनी चाहिए। इसके बाद आयु यानी कि लाइफ। स्थापित वायरिंग की कार्यकारी आयु पर्याप्त लंबी होनी चाहिए। इसके बाद सुविधाजनक यानी कन्वीनियंस। स्थापित वायरिंग ऐसी होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर उसमें सरलता से परिवर्तन एवं परिवर्धन किया जा सके। इसके बाद यांत्रिक रूप से सुरक्षित यानी कि मैकेनिकली प्रोटेक्टेड। स्थापित वायरिंग धात्विक आवरणों की रगड़ से खराब न होने वाली तथा उनके स्पर्श से विद्युत झटका न देने वाली होनी चाहिए। ये होते हैं विद्युत वायरिंग स्थापना के मुख्य बिंदु। जब हमको वायरिंग करवानी होती है तो हम इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान देते हुए वायरिंग करवाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वायरिंग के प्रकार। ये है वायरिंग के प्रकार। इसमें सर्वप्रथम आती है अस्थायी वायरिंग यानी कि टेम्परेरी वायरिंग। जो वायरिंग कुछ समय के लिए की जाती है उसे अस्थायी वायरिंग कहते हैं। इसमें दो टाइप होते हैं, पहला फ्लेक्सिबल वायरिंग और दूसरा क्लीट वायरिंग यानी कि स्थायी वायरिंग। दूसरी होती है परमानेंट वायरिंग। जो वायरिंग मजबूती के साथ अधिक समय के लिए की जाती है उसे स्थायी वायरिंग कहते हैं। इसमें तीन टाइप होते हैं, एक बैटन वायरिंग, दूसरा केसिंग केपिंग वायरिंग और तीसरा कंड्यूट वायरिंग। इस कंड्यूट के दो पार्ट होते हैं, एक सरफेस वायरिंग और एक कंसील्ड वायरिंग। सरफेस वायरिंग वह होती है जो हमको दीवार पर बाहर से दिख रही होती है और कंसील्ड वायरिंग वह वायरिंग होती है जो दीवार के अंदर होती है, ऊपर से प्लास्टर हो जाने के बाद हमको वायरिंग नहीं दिखाई पड़ती है, केवल उसमें होल्डर और स्विच सॉकेट आदि बोर्ड दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद अब मैं आपको टेम्परेरी वायरिंग के बारे में बताता हूँ। ये टेम्परेरी वायरिंग, इसमें
सर्वप्रथम आता है फ्लेक्सिबल वायरिंग। जैसा कि चित्र से आपको प्रतीत हो रहा है, ये फ्लेक्सिबल ट्विस्टेड वायर है जिसमें एक होल्डर और एक प्लग को कनेक्ट किया गया है। यानी कि हमको जहां पे लाइट की आवश्यकता होगी वहां पे यह प्लग से सप्लाई लेके हम होल्डर में लैंप लगा के वहां पे लाइट का प्रयोग कर लेंगे। अब इसको डिटेल से बताता हूँ। फ्लेक्सिबल तार अर्थात आसानी से इधर उधर मोड़ने वाली ट्विस्टेड वायर, ये कई रंगों लाल सफेद, पीली लाल, नीली सफेद, लाल काली आदि रंगों में बाजार में उपलब्ध होती है। इसमें एक साथ कई पतली तारें होती हैं। इसमें कॉपर की तारों का प्रयोग किया जाता है। शादियों में या कहीं अस्थायी कार्यों के लिए पेंडेंट होल्डर लटकाना हो या कुछ समय के लिए लाइट डेकोरेशन करना हो, कहीं टेंट लगे हो आदि स्थानों पर पूर्ण रूप से फ्लेक्सिबल तारों की वायरिंग की जाती है। इस प्रकार की वायरिंग को फ्लेक्सिबल वायरिंग कहते हैं। इस वायरिंग का लाभ होते हैं, कुछ हानियां होती हैं, कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसके लाभ हैं, यह शीघ्र स्थापित हो जाती है व सस्ती होती है। इसमें हानि जो होती है, इसमें तारों के जोड़ शीघ्र खुल जाने की संभावना रहती है जिससे तार जल्दी खराब हो जाते हैं। इसमें विद्युत झटका या इलेक्ट्रिक शॉक लगने की अधिक संभावना रहती है। इसका उपयोग अस्थायी समय के लिए घरों में किया जाता है। यह वायरिंग करते समय जो सावधानियां रखनी चाहिए वह इस प्रकार है। पानी, अग्नि, गैस या धातु वाले स्थानों पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए और अधिक इंसुलेशन वाला फ्लेक्सिबल वायर प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आता है क्लीट वायरिंग। यह भी टेम्परेरी वायरिंग का ही एक टाइप है। जो आप क्लीट देख रहे हैं, यह दो खांचे वाली क्लीट है और यह तीन खांचे वाली क्लीट है। इसमें फेज और न्यूट्रल दो वायर लेके जाते हैं और तीन खांचे वाले में थ्री फेज सप्लाई का प्रयोग हम करना होता है वायरिंग में, तब हम इस प्रकार की क्लीट का प्रयोग करते थे। लेकिन आजकल यह वायरिंग ना के बराबर प्रयोग की जाती है। तो क्लीट वायरिंग पूर्ण रूप से अस्थायी वायरिंग है। ये पोर्सलिन की क्लीट्स टू वे, थ्री वे, फोर वे आती हैं। इसको दीवार पर पीवीसी गुल्लियों की सहायता से या लकड़ी की गुल्लियों की सहायता से सीधा कसा जाता है। क्लीट के दो भाग होते हैं, बेस व कवर। इस वायरिंग में VIR तारों का प्रयोग होता है। VIR का पूरा नाम वल्केनाइज्ड इंडियन रबर होता है। वर्तमान समय में इस वायरिंग का प्रयोग बहुत कम होता है। यह वायरिंग पूरी खुली दिखाई पड़ती है। क्लीट्स की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर तक रखनी चाहिए। इसके भी कुछ लाभ और हानि हैं। लाभ, इसमें दोष शीघ्रता से देखे जा सकते हैं और यह सस्ती होती है। और हानि है, यांत्रिक सुदृढ़ता नहीं होती है और तारों का इंसुलेशन उतरने का डर रहता है। अब मैं आपको इसके बाद परमानेंट वायरिंग के बारे में बताता हूँ, जिसमें सर्वप्रथम आती है परमानेंट वायरिंग में बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं, लकड़ी की फंटी पर, लकड़ी के बैटन पर लिंक क्लिप की सहायता से तारों को कसा गया है। यह लकड़ी का राउंड ब्लॉक है और इसमें इस वायरिंग में जो स्विच प्रयोग किया जाता है वो टम्बलर स्विच प्रयोग होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह स्विच टम्बलर स्विच दिख रहा है चित्र में। इसमें नीचे पोर्सलिन का बेस और ऊपर बैकलाइट का कवर होता था जिसको स्क्रू की सहायता से हम बेस पर कस देते थे। अब आपको बताता हूँ डिटेल से बैटन वायरिंग। इस वायरिंग में लकड़ी के बैटन पर वायरिंग की जाती है। बैटन विभिन्न साइजों में आती है। यह वायरिंग इसकी चौड़ाई के होते हैं। इस वायरिंग में बैटन का चयन करने के लिए तारों की संख्या पर आधारित होती है। तारों को व्यवस्थित रूप देने के लिए लिंक क्लिप का प्रयोग किया जाता है। इन क्लिपों को कीलों की सहायता से बैटन पर फिक्स किया जाता है। यह क्लिप 60 mm से 75 mm की दूरी पर लगाई जाती है। दीवार पर मार्किंग करके लकड़ी की गिट्टियों या पीवीसी की गुल्ली को दीवार पर लगाया जाता है। बैटन की गिट्टियों पर पेचों की सहायता से कस दिया जाता है। इसके बाद पीवीसी तार को क्लिपों में परिपथ के अनुसार फिट किया जाता है। इसके बाद राउंड ब्लॉक लगाकर होल्डर, सीलिंग रोल आदि को कसा जाता है। इस प्रकार हम बैटन वायरिंग करते हैं। इस वायरिंग के कुछ लाभ हैं। यह कम मूल्य में, कम मेहनत में तथा कम समय में की जाने वाली वायरिंग होती है। यह अच्छी तरह से की जाए तो सुंदर दिखती है। यह नमी, जलवायु, क्षारीय व अम्लीय प्रभाव से मुक्त होती है। हानि,
इस पर अग्निवा धूप का असर होता है। यह यांत्रिक रूप से कमजोर होती है, यह नमी के प्रभाव से खराब हो जाती है और शॉक लगने की संभावना अधिक रहती है। उपयोग घरों, दुकानों आदि में इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन आज के समय में यह वायरिंग ना के बराबर की जाती है। इसके बाद सावधानियां, यह वायरिंग करते समय में किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। इसके तार दीवार से ऊपर होने चाहिए और जोड़ कम से कम होने चाहिए। बैटन सीधी होनी चाहिए। कसने के लिए पेंच उचित साइज के प्रयोग करने चाहिए। जहां वायरिंग में जोड़ लगाना हो वहां सीधा ही जोड़ लगाना चाहिए। स्विच सॉकेट होल्डर में तारों के कनेक्शन करने के बाद ही राउंड ब्लॉक या बोर्ड पर कसना चाहिए। इसके बाद आती है केसिंग गैपिंग वायरिंग। केसिंग गैपिंग वायरिंग में क्या है? केसिंग गैपिंग वायरिंग, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं चित्र में, पीवीसी की फंटियों के द्वारा यह वायरिंग की जाती है और जो कि आजकल बहुत ही प्रचलन में है। अब आपको केसिंग गैपिंग वायरिंग के बारे में विस्तार से बताता हूँ। केसिंग गैपिंग लकड़ी तथा पीवीसी दोनों प्रकार की होती है, परंतु लकड़ी की केसिंग गैपिंग के स्थान पर वर्तमान समय में पीवीसी की केसिंग गैपिंग ही प्रयोग की जाती है। इसके ज्वाइंट भी पीवीसी के बने होते हैं। मार्किंग करके पीवीसी स्लीव या गुल्ली को दीवारों पर लगाकर केसिंग को कस दिया जाता है। जो भाग हम दीवार पर कसते हैं उसको केसिंग कहते हैं। सर्किट के अनुसार तारों को डालकर केपिंग के द्वारा तारों को ढक दिया जाती है, और जिनके माध्यम से हम तारों को ढक देते हैं उस पार्ट को केपिंग कहते हैं। इस वायरिंग में राउंड ब्लॉक या स्क्वायर ब्लॉक भी पीवीसी के ही प्रयोग होते हैं। आजकल पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग अधिक प्रचलन में है। इस वायरिंग के लाभ, हानि, उपयोग तथा सावधानियां। इस वायरिंग का लाभ यह है, यह वायरिंग देखने में सुंदर दिखती है, इसकी तारें सुरक्षित रहती हैं, पीवीसी केसिंग पर नमी का कोई प्रभाव नहीं होता है, यांत्रिक सुदृढ़ता अच्छी रहती है, दीमक का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसमें फेज और न्यूट्रल शॉर्ट होने की संभावना कम रहती है, वायरिंग करने में मेहनत कम लगती है। इसके बाद इसमें कुछ हानियां होती हैं। इस वायरिंग में अग्नि से सुरक्षा करना जरूरी होता है, अन्यथा आग लग सकती है। इसका उपयोग कंसील्ड वायरिंग के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग हम लाइट व पंखे की वायरिंग के लिए करते हैं। इसका प्रयोग घरों में, ऑफिसों में आजकल सभी जगह किया जा रहा है। इसके बाद इसके को करते समय जो सावधानियां रखनी चाहिए वह निम्न है। आईएस मानक की पीवीसी केसिंग केपिंग प्रयोग करनी चाहिए। केसिंग 3 मीटर लंबी व सीधी होनी चाहिए। पीवीसी गिट्टियों की दूरी 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अर्थ वायर अवश्य लगाने चाहिए दीवार के आर पार तारे गुजारने के लिए। कंड्यूट पाइप का ही प्रयोग करना चाहिए। इसमें तारों के ज्वाइंट ढीले नहीं रहने चाहिए। इसके बाद आपको स्थायी वायरिंग का अगला प्रकार बताते हैं। परमानेंट वायरिंग में अगला प्रकार होता है कंड्यूट वायरिंग, जिसमें सर्वप्रथम आती है सरफेस वायरिंग। सरफेस वायरिंग जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह वायरिंग दीवार के ऊपर पाइप की सहायता से की गई हुई है, इसको सरफेस वायरिंग कहते हैं। और जैसा आप नीचे की तरफ या 2 नंबर चित्र में देख रहे हैं, कंसील्ड वायरिंग। कंसील्ड वायरिंग देखिए, जैसा कि आपको दीवार पर केवल सॉकेट दिख रहे हैं और वायरिंग में वायर किधर से आया हुआ नहीं दिख रहा है, इस प्रकार की वायरिंग को हम कंसील्ड वायरिंग कहते हैं। तो सर्वप्रथम आपको सरफेस वायरिंग के बारे में बता देता हूँ। सरफेस वायरिंग में कंड्यूट पाइप को एक नलिका के रूप में परिभाषित किया गया है। विद्युत वायरिंग में उपयोग में आने वाली नलिका कंड्यूट होती है, यह लोहे तथा पीवीसी दोनों की बनी होती है, लेकिन आजकल पीवीसी कंड्यूट ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। कंड्यूट को सैडल द्वारा पीवीसी गिट्टियों पर पेच की सहायता से कस देते हैं, जिसमें पाइपों में तारों को गुजारना हो वहां एल्बो सॉकेट, टी बैंड, जंक्शन बॉक्स आदि का प्रयोग किया जाता है। यह सभी सामग्री भी पीवीसी की ही प्रयोग की जाती है। पाइप में पीवीसी पर वायरों को एक पतले तार से खींचा जाता है, जिसे फिशिंग या स्नेक वायर कहते हैं। इसके बाद आता है कंसील्ड वायरिंग। यह वायरिंग बहुत ही प्रचलित है। आजकल
ज्यादातर लोग इस प्रकार की वायरिंग ही कराते हैं। इसमें दीवार की सुंदरता बनी रहती है या कहीं भी दिखाई नहीं देती है, केवल स्विच बोर्ड व होल्डर आदि दिखाई देते हैं, कंड्यूट पाइप कहीं भी नहीं दिखता है। भवन बनाते समय ही कारीगर कंड्यूट के लिए खांचे बना देता है। वायरिंग लेआउट के अनुसार लोहे या पीवीसी कंड्यूट दीवार के अंदर हुक की सहायता से फिट करके वायरिंग तारों को इसमें डाला जाता है। इसमें आवश्यक सामग्री एल्बो, बैंड, टी, जंक्शन बॉक्स भी प्रयोग किए जाते हैं। यदि भवन बना हुआ हो और तब यह वायरिंग करनी हो तो दीवार पर मार्किंग करके नालियां या झिब्बी काटी जाती है तथा इसमें कंड्यूट को फिट करके ऊपर से सीमेंट का प्लास्टर कर दिया जाता है। अब इस वायरिंग के लाभ, हानि, उपयोग तथा सावधानियां बताता हूँ। लाभ, इसमें तार अधिक संख्या में लगाए जा सकते हैं। कंसील्ड वायरिंग दीवारों में छिपी रहती है जिससे भवन की खूबसूरती बनी रहती है। इसमें तारों को अच्छी सुरक्षा प्रदान होती है। इसमें यांत्रिक सुरक्षा भी काफी अच्छी रहती है तथा यह जलरोधी होती है। इसमें जो हानियां हैं, इसमें मरम्मत में काफी परेशानी रहती है, मेहनत अधिक लगती है। कंसील्ड वायरिंग में कंड्यूट कहीं खुला रह जाए तो पानी भरने व शॉर्ट होने का डर रहता है। कुशल कारीगर के माध्यम से ही यह वायरिंग करानी चाहिए। इस वायरिंग का उपयोग घरों में, ऑफिसों में, कार्यशालाओं में, सिनेमा घरों में, अस्पतालों में आदि सभी स्थानों पर किया जाता है। इसमें करते समय जो सावधानियां अपनानी चाहिए, कंड्यूट का चयन भवन के आकार के आधार पर करना चाहिए। कंड्यूट पाइप को कसने के लिए सैडल मजबूत हो, सैडलों के मध्य दूरी 1 मीटर से अधिक ना हो, उचित टी, बैंड, जंक्शन बॉक्स आदि लगाने चाहिए। इस वायरिंग के साथ अर्थ वायर लगाना चाहिए। कंड्यूट के निकट पानी या गैस नहीं होनी चाहिए। ये हो गए वायर के प्रकार। अब आपको एक सर्किट के माध्यम से वायरिंग का कनेक्शन बताता हूँ। जैसा कि आप सर्किट देख रहे हैं, यह मेन स्विच है। मेन स्विच के बाद में फ्यूज में सप्लाई आई है और ये लाइव वायर है जिसको फेज के लिए प्रयोग किया गया है। नीचे यह न्यूट्रल वायर दिख रहा है आपको। यह एक ग्रीन कलर का अर्थ वायर दिख रहा है जिसको यहाँ पे अर्थ के सिंबल से अर्थ बताया गया है। देखिए, ये मेन फेज वायर को ये 3 स्विच लगाए गए हैं। इसमें 2 लैंप के लिए हैं और एक फैन के लिए है। देखिए, और उपकरण को चलाने के लिए जो सबसे आवश्यक होता है किसी भी उपकरण में फेज और न्यूट्रल का पहुंचना। तो यहाँ पे ये लैंप आप देख रहे हैं, लैंप में ये देखिए ये फेज आया है या न्यूट्रल आया है। फेज यहाँ स्विच के माध्यम से आया है क्योंकि स्विच हमेशा फेज वायर में लगाते हैं। न्यूट्रल यहाँ पे लैंप को डायरेक्ट दिया गया है। यह दूसरा लैंप भी देख लीजिए, इसमें भी फेज स्विच के माध्यम से आया है और लैंप को न्यूट्रल डायरेक्ट दिया गया है। तो तीसरा जो स्विच दिया गया है, इसमें फैन को सॉकेट के माध्यम से चलाया गया है। तो सॉकेट से देखिए, एक अर्थ वायर था जो अर्थ में चला गया है, एक पॉइंट पे न्यूट्रल गया हुआ है और एक पे फेज गया है। फेज वायर जो फैन पे आया हुआ है वह स्विच के माध्यम से आया हुआ है। इस प्रकार किसी भी उपकरण को चलाने के लिए अगर वह सिंगल फेज उपकरण है तो उसको बस फेज और न्यूट्रल पहुंचाना होता है, और फेज स्विच के माध्यम से और न्यूट्रल डायरेक्ट पहुंचा के हम सर्किट को चालू करके। तो आज हमने आपको जो जो बताया है उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया, यानी ये परिचय। तो उसके बाद आपको वायरिंग परिभाषा बताई, उसके बाद वायरिंग सिस्टम बताया, या 2 प्रकार के बताए थे आपको, ट्री सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वायरिंग के मेन पॉइंट्स बताया आपको, यानी कि वायरिंग स्थापना के मुख्य बिंदु। इसमें मैंने आपको किफायती, टिकाऊ, आयु, सुरक्षित, अग्नि से सुरक्षित, यांत्रिक सुरक्षा, इससे पॉइंट के बारे में बताया था। इसके बाद हमने आपको टाइप्स ऑफ वायरिंग बताई। वायरिंग 2 टाइप की होती है, एक टेम्परेरी वायरिंग और परमानेंट वायरिंग। टेम्परेरी वायरिंग में 2 टाइप होते हैं, फ्लेक्सिबल वायरिंग और क्लिट वायरिंग, और परमानेंट वायरिंग में 3 टाइप होते हैं, बैटन वायरिंग, केसिंग केपिंग वायरिंग और कंड्यूट पाइप वायरिंग। कंड्यूट पाइप वायरिंग में भी 2 टाइप होते हैं, एक सरफेस वायरिंग जो दीवार की ऊपरी सतह पे होती है वो सरफेस वायरिंग होती है,
और एक होती है कंसील्ड वायरिंग जो दीवार के अंदर होती है, बहुत ही कंसील्ड वायरिंग। इसके बाद हमने आपको एक वायरिंग सर्किट डायग्राम के सहायता से बताया कि कनेक्शन कैसे करते हैं वायरिंग करते समय, और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बुक का अध्ययन कर सकते हैं या एमएल अनवानी के इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बुक का अध्ययन कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए www.bharatskills.gov.in पर जाकर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने घरेलू वायरिंग और इसके प्रकार पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।